ये सारी जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह क्वालिटी वगैरह थीम से रिलेटेड सारा कुछ ना। ये किस चीज पे ले जी, मेरा और उमैर भाई का था यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट। उस एंट्री टेस्ट की मंजिल को पार करने के लिए मैं और उमैर भाई निकल गए लाहौर के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खरीत से होंगे। आप सबको आज के व्लॉग में वेलकम करते हैं। भाई जी एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए हैं। जट साहब भी हमारे साथ हैं। जी जट साहब, जलील प्रोग्राम पेपर आंदा कि नहीं? पेपर अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं झूठ बोल रहा है। फिर भी लिखना है, कोई ना कोई तो लिखांगे। अच्छा चलो ठीक है, ऐसी हो जरा अपनी आखिरी मंजिल तो हो आई, फिर आके आपसे बात करते हैं। पेपर दे के आके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अभी रश बहुत ज्यादा, चेक करें ये यहाँ तक लाइन लगी। आवर्स लेटर। हां जट साहब, पेपर कैसा होया? की मार्क्स ने फोन चले कि तेरे याद ना की दस सही फिर माता। पाकिस्तान के बाल पढ़ते ही बड़ा ने। टेस्ट से फारिग होने के बाद हम आ गए जी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन अपने दोस्त की यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे था भाईजान उनकी थीसिस का एग्जीबिशन। ये देखें जी, उसने पूरी स्टेरी नाइट पे एक थीम बनाई हुई है। शूज, जैकेट, पर्स वगैरह हर चीज़ उसी पे थी। इसी तरह दूसरे लोगों ने भी मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर अपनी थीसिस बनाई हुई थी। बहुत मज़ा आ रहा था। देखें आगे जाके आपको और भी दिखाते हैं। और भी स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर अपनी जो है ना थीसिस बनाई हुई थी। ये देखें, ये एक थीसिस थी क्रोकोडाइल के ऊपर। ये सारी चीज़ क्रोकोडाइल की स्किन के ऊपर बनाई हुई थी। सब मजा आ रहा है आपको? लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो ये सारी जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह क्वालिटी वगैरह थीम से रिलेटेड सारा कुछ ना। वो सी बैग है, बैग में उसने सारा झूला लगाया। मजा बड़ा है। ये हमारे भाई गाइडर थे और ये मेरी मारी मेरी जान।
फैजन फिर लिए हमने आप बारिया खाने की, खाने में बस कुछ मिल जाए सही यहाँ से। खाना बदोश जिस तरह वो पैच करते हैं वो नहीं लेते, बार बार उसी को टांकल करते हैं या उसको पैच करके इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये सारा जो कपड़ा यूज़ नहीं होता उसी को ही यूज़ करते हैं, और उस तरह उस कॉन्सेप्ट पे लेकिन एक पूरा पट्टियाँ काट के अलग अलग कपड़ों की उनसे पूरा फैब्रिक बनाया। फिर वो उसके ये जो पैन की जो झोंपड़ी होती है उसका टेक्स्चर होता है जो पूरा थ्रेड से बना हुआ है, इस तरह यहाँ पे जब कपड़ा फटता है तो उसके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एग्जैजरेट किया और उससे मैंने ये चीज़ डिज़ाइन की है। सही हो गया। ये जो उनकी बास्केट्स होती है केन की बनी हुई वो उसका भी इस टाइप का होता है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि वो लेयरिंग करते हैं, वो मतलब उनको जो जो चीज़ मिलती है वो वही पहनते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये शलवार है, शलवार बहुत देसी चीज़ है, फिर उसके ऊपर स्कर्ट है ये थोड़ी मॉडर्न है, तो उनको भी जो चीज़ मिलती है उसी को लेयर करते हैं उसी को पहनते हैं। चलो मेरे साथ पूछे भाई से। ये माशाल्लाह हमारे बदर भाई का डिस्प्ले है। चुमिया ये मेन थीम किस पे है भला? चल जाए यार आपने बायो पढ़ी आप भाई, मुझे तो पता लग गया, व्यूअर्स को भी बताना है। ये स्पेस में उसके स्पेस से साथ कंट्रा इमर्ज किया उसने। सही हो गया। यूनिवर्सिटी का तो टूर हो गया यार साहब, मज़ा आया। नवी दुनिया ही सी, भाई जान यूनिवर्सिटी फिर के आए, दुनिया ही अलग नजर आ रही थी आपके भाई को। भाई जान पूरा चिल माहौल किया वहाँ पे, अब भूख थोड़ी सी लग गई है, वहाँ से भी खाया, लेकिन मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई जान कोई इटालियन चीज़ भी होनी चाहिए। जट साहब इटालियन ही है? हाँ इटालियन चीज़ भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई जान जो जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, और उसके बाद ये भी है कि आज मैच भी है पाकिस्तान इंडिया का, वो भी देखना भी जाके। दोस्त की कॉल आ रही थी कि भाई जान कब तक आना है, 7 बजे मैच शुरू होना है, 7 बजे से पहले आप मेरे पास हो। मैंने कहा भाई जान मैच देखने का फ़ायदा क्या कि पाकिस्तान ने फिर भी हार ही जाना है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली भाई। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, फिर आपसे मिलते हैं वहाँ पे जाके, क्या देखते हैं खाते पीते हैं वो आपको दिखाते हैं सारा। तो भी ले जज साहब आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, मजा आ रहा है। कितना घूमता आज जाने? 300 चलो जट साहब जैसा होना चाहिए, ठीक पैसे तो आ जाने कि नहीं, बाकी चस लै खाने अच्छे। जट साहब की मंगवाया है? पता नहीं पिज़्ज़ा है कोई, बाबा की नाम है स्टफ। ओके अच्छा जी, फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच गए, हमने पानी शानी पी लिया, अब हम फ्रेश हो गए। यहाँ पे करते हैं जी अपने व्लॉग को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें।